हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे पास है कैनन की 4245 मशीन, एडवांस है। तो दोस्तों, इस मशीन में हमें सॉर्टर यूनिट को रिमूव करना है और नॉर्मली जो आउटपुट ट्रे होती है, जिसको प्लेन कपर भी बोलते हैं, उसको इंस्टॉल करना है। तो ये हमारी सॉर्टर यूनिट है जो इस तरह की दिखती है। तो इसे हमें रिमूव करना है और हमें अपना जो आउटपुट है ट्रे है, नॉर्मली जो ये यहाँ पर रखी हुई है, इसको हमें यहाँ इंस्टॉल करना है। तो आज मैं आपको इसको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही टेक्नोलॉजी की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इसका ये वाला कवर है ओपन करना पड़ेगा। सिंपली नॉर्मली है, मैंने पहले ही ओपन करके रखा है, और एक ये वाला कवर है, ये भी हमने पहले ही ओपन कर लिया है। इसको आप थोड़ा सा बाहर सरकाओगे तो ये ओपन हो जाएगा। वो कवर वाला है लंबा जो आपको दिख रहा है, वो कवर यहाँ लगा हुआ था। सिंपली पहले हमें अपनी मशीन को बंद कर लेना है। बंद करने के बाद ये वाला कवर आप ओपन करोगे तो ये जो दो कनेक्टर हैं, दिखा दूँ मैं आपको पास से, एक ये वाइट वाला और एक ये पिंक और ब्लू दिख रहा है, इनको रिमूव करना होगा, क्योंकि ये सॉर्टर यूनिट के ही कनेक्टर हैं। तो ये रिमूव करने के बाद हमें अपनी सॉर्टर यूनिट्स को रिमूव करने के लिए एक यहाँ पत्ती लगी हुई है, उसमें जो नट लगा हुआ होता है वो हमें रिमूव करना पड़ेगा। मैंने इसमें पहले से ही रिमूव करके रखा है। ये जो पत्ती है, ये जो हिलती हुई दिख रही है, इसमें यहाँ पे एक नट लगा हुआ था जो मैंने पहले ही रिमूव कर लिया है। तो आगे मैं आपको और बताता हूँ। चलिए, तो इन कनेक्टर को मैं दोस्तों पहले रिमूव कर लेता हूँ। एक ये कनेक्टर हमारा रिमूव हो गया और ये दोनों कनेक्टर हमने रिमूव कर लिए हैं। उसके बाद हमें ये अपना फ्रंट कवर ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद हॉपर कवर भी ओपन करना पड़ेगा। हॉपर कवर ओपन करने के बाद एक ये स्क्रू है और एक इसके नीचे ये स्क्रू है, और दो स्क्रू ये है, ये पत्ती रिमूव करनी पड़ेगी हमें। तो ये दो स्क्रू और दो स्क्रू यहाँ से खोलने पड़ेंगे, तो मैं इनको खोल लेता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों, ये स्क्रू मैंने ओपन कर लिए हैं। ये नीचे वाला स्क्रू ओपन करोगे आप तो ये एक ब्लैक कलर का लॉक है जो बाहर आ जाएगा, इसको हमें साइड में रख देना है। उसके बाद एक ये पत्ती है, इसको आप हल्का सा अपने सॉल्डर यूनिट को ऊपर उठाओगे, उठा के इसको बाहर की तरफ यहाँ से बाहर खींचना है। आपको ये अलग ही दिख रही होगी, ये इतनी इतनी ही पत्ती है, इसको आप हल्का सा सॉल्डर यूनिट को बाहर उठा के इसको बाहर खींचोगे तो ये बाहर आ जाएगी। मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ और फिर आपको पत्ती दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है वो पत्ती जो यहाँ पे लगी हुई थी। इसको निकालने के बाद हमें हल्का सा अपना सॉर्टर यूनिट है उसको बाहर की तरफ प्रेस करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये सॉर्टर यूनिट है हमारी बाहर आना स्टार्ट हो गई है। यहाँ से हमें इसके वायर हैं वो अच्छे से रिमूव करना है, और एक जो पत्ती है वो भी हमें यहाँ से निकाल लेनी है, क्योंकि ये गिर जाएगी तो मशीन में कहीं पे भी अटक सकती है। तो केयरफुली हमें इसको अच्छे से बाहर निकालना है। इसको आप हल्का सा उठा के, क्योंकि ये यहाँ पे फंसा हुआ है, इसको आप हल्का सा उठाओगे ऊपर तो ये बाहर आ जाएगी। और फिर इसको हमें ये यहाँ से आपको इसको ऐसे पकड़ना है सॉर्टर यूनिट को, और एक बार और यहाँ से पकड़ना है। ये जो हॉपर कवर का डोर है, हॉपर का, इसको मैं लॉक लगा हुआ है यहाँ पे, इसको निकालना है, फिर ये नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये अभी यहाँ पे अड़ रहा है। इसको निकालने के लिए दोस्तों सिंपली इसमें एक लॉक होता है डोर में, ये वाला, ये बाहर आ गया, इसे बाहर निकाल देना है। तो ये हमारा नीचे की तरफ हो गया, ये हमने यहाँ रख लिया सिंपली। अब इसको आप सॉर्टर यूनिट को बाहर खींचोगे तो ये बाहर आ जाएगी। तो इसको अच्छे से यहाँ से पकड़ना है और यहाँ से भी पकड़ना है, उठा के हमें इसको साइड में रख लेना है। तो मैं इसको रख लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, सॉर्टर यूनिट हटाने के बाद हमें कुछ ऐसा दिखेगा। सॉर्टर यूनिट मैंने वहाँ इंस्टॉल कर रखी है, वहाँ पर रख ली है। उसके बाद ये जो प्लेन कवर है वो हमें यहाँ इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने से पहले हमें ये वाली पत्ती रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो नॉर्मल पत्ती होती है वो हमारी इसमें ऑटोमेटिक फिट होती है प्लेन कवर में,
तो इस पत्ती को रिमूव करने के लिए हमें ये वाला स्क्रू है, इसको ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली आप इसको हल्के से उठाओगे तो ये बाहर आ जाएगी। इसको हम साइड रख देते हैं। उसके बाद अब हमें अपना जो प्लेन कवर है वो उस पर इंस्टॉल करना है, तो मैं आपको प्लेन कवर ला के दिखा रहा हूँ। ये है हमारा प्लेन कवर जिसको आउटपुट ट्रे बोलते हैं। तो वो सिंपली हमें इसको उठा के इस पर अच्छे से रख देना है। इसमें ट्रे में वहाँ पे एक लॉक होते हैं जो वहाँ पे आसानी से इंस्टॉल हो जाते हैं। इसको लगाने से पहले हमें एक छोटी ही पत्ती होगी वो वहाँ लगानी पड़ेगी, जो इस तरह की पत्ती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ये है वो मैं आपको वहाँ लगा के दिखा देता हूँ। जो ये पत्ती यहाँ पर, ये पत्ती यहाँ पे इस तरीके से फिट होगी और वहाँ पे जो स्क्रू लगा है वहाँ में स्क्रू भी लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम स्क्रू लगा लेते हैं। ये पत्ती हमने वहाँ पे लगा दी है। उसके बाद हम अपना ट्रे है यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ट्रे से पहले अगर हम चाहें तो ये जो दो सपोर्टिंग कवर हैं वो भी हमें यहाँ कोने में फ़िट करना होंगे, तो हम अपने सुविधा अनुसार उनको पहले या बाद में फ़िट कर सकते हैं। दोस्तों ये प्लेन कवर के जो लॉक हैं, एक लॉक ये है और एक ये है और एक लॉक ये है, ये लॉक वहाँ पर होल में जाके फिट हो जाते हैं। मैं आपको फिट करके दिखा देता हूँ। दोस्तों ये ट्रे है, हमने इसमें फिट कर ली है। एक लॉक यहाँ फिट होता है और एक लॉक है जो यहाँ फिट होगा और एक वहाँ कोने में। इसको फिट करने के बाद ये जो कवर है, जिनके कुछ सपोर्टिंग कवर होते हैं, वो हमें यहाँ फिट करने होंगे। इसमें भी एक लॉक है, तो आप इस तरीके से इसको फिट करेंगे तो ये यहाँ फिट हो जाएगा। उसके बाद एक ये होता है कवर जो इसके ऊपर लगेगा यहाँ से, फिर उसके बाद इसमें एक स्क्रू लगाना है हमें जो यहाँ अंदर इसमें लगेगा। तो ये स्क्रू हमें यहाँ पे लगा लेते हैं। दोस्तों ये स्क्रू है वो हमने वहाँ लगा दिया है। उसके बाद ऑलमोस्ट हमारी जो आउटपुट ट्रे है वो रेडी हो चुकी है। ये लगने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगी। इसको लगाने के बाद तो ये है हमारे, ये आपको होल दिख रहे हैं, इनको इन लॉक में फिट करना है जो इस तरह के दिखते हैं, तीन लॉक हैं इनमें। तो इनको फिट करने के लिए सिंपली आप इनको ऐसे रखोगे, ये तीनों की तीनों यहाँ फिट हो जाएंगे। फिट होने के बाद इनको हल्का सा अंदर प्रेस करना है। अब ये अच्छे से इसमें फिट हो चुका है। फिट होने के बाद सिंपली हमने जो इसका हॉपर का लॉक निकाला था, हॉपर के डोर का, वो हमें इसमें लगा देना है। ये हमने इसमें लगा दिया है। फिर उसके बाद ये लॉक है वो हमें वहीं की वहीं इसमें लगाना पड़ेगा। ये लग गया और ये हमारा हॉपर भी रेडी है। एक वो स्क्रू हम यहाँ लगाना है, वो हम लगाना भूल गए हैं, बता देता हूँ मैं। एक हमें यहाँ लगाना पड़ेगा आउटपुट ट्रे को होल्ड करने के लिए, तो मैं यहाँ पे भी एक नट लगा देता हूँ। दोस्तों ये नट मैंने यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद मैंने हॉपर के डोर को बंद कर दिया है। अब सिंपली उसके बाद हमें ये
इसका ये कवर है वो जो यहाँ लगता है लेज़र यूनिट के ऊपर, वो हमें यहाँ लगा देना है। इसको आप हल्का सा अंदर प्रेस करेंगे तो ये लग जाएगा। उसके बाद ये फ्रंट में जो कवर है वो हमें लगा देना है। इसको लगाने के लिए सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये वाला कवर होता है जो इसमें जाके फंसता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो दो लॉक हैं वो यहाँ फंसेंगे, देखिए ये फंस चुके हैं। इसको लगाने के बाद हमें इसका जो फ्रंट का कवर था वो लगाना पड़ेगा, ये वाला कवर जिस पे कैनन का लोगो है वो हमें इसमें यहाँ इंस्टॉल कर देना है। इसमें एक छोटा सा लॉक होता है नीचे, मैं दिखा देता हूँ, ये वाला लॉक जो आपको यहाँ रखना है। और इसको अंदर की तरफ प्रेस कर देना है तो ये ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो गया। उसके बाद फ्रंट डोर लगा देना है। फ्रंट डोर लगाने के बाद हमने जो साइड डोर में जो दो नट खोले थे वो भी हमें यहाँ से लगा देना है। दोस्तों साइड में से जो हमने स्क्रू खोले थे, एक ये वाला वो हमने लगा दिए हैं। उसके बाद हमारी मशीन रेडी हो चुकी है। उसके बाद हमें ये साइड डोर लगा देना है तो हमारी मशीन हो गई तैयार। तो अब फाइनली हमारी मशीन कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो आगे लाता रहूँगा। धन्यवाद।